प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में आज से लागू हुआ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, डीजल जनरेटर समेत कई चीजों पर पाबंदी। नोटबंदी के आलोचक जेएनयू के पूर्व छात्र और अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी को पत्नी एस्टर डुफ्लो के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद अभिजीत बैनर्जी बोले, डगमगाती स्थिति में है भारतीय अर्थव्यवस्था। हरियाणा के नूह में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, बोले प्रधानमंत्री मोदी अडानी अंबानी के लाउडस्पीकर, साथ ही कहा काम की बात करूंगा, मन की बात नहीं। पीएमसी बैंक के ग्राहकों को राहत, आरबीआई ने कैश निकालने की लिमिट 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की। श्रीनगर के बड़गाम में 27 फरवरी को हुए MI-17 क्रैश मामले में एयरफोर्स ने 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, 2 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। 2019 का बुकर पुरस्कार मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन इवारिस्टो को संयुक्त रूप से मिला। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। और बाउंड्री नियम पर विवाद के बाद आईसीसी ने नियम बदला, अब वनडे और टी20 के फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में किसी टीम की जीत तक सुपर ओवर जारी रहेगा।